जम्मू कश्मीर हाईवे पर एनकाउंटर जारी, एक आतंकी ढेर। तलाश का काम इमारत में जारी, आतंकियों की घेराबंदी। कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हुई थी फायरिंग, श्रीनगर जाने के दौरान हुआ हमला। कुलगाम हमले में दो नागरिक जख्मी, इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों के साथ रह रहकर फायरिंग, कुछ और आतंकियों के छुपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला, 7 लोग जख्मी, 4 साल के बच्चे की मौत। हमले में एक और बच्चा घायल, परिवार छत पर था मौजूद, इस दौरान अज्ञात शख्स ने फेंका ग्रेनेड। राजौरी में भारी सुरक्षा बल तैनात, आज राजौरी बंद का आह्वान। राजौरी में विमान के आकार का बलून बरामद, एलओसी के पार से आने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर सीमा पर पंजाब पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, पूरी मुस्तैदी से की गई मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर में ड्रोन को लेकर अलर्ट, बीएसएफ रख रही नजर। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन को लेकर मुस्तैदी, मेटल पिलर पर लगाई गई लाइट मशीन गन। ड्रोन को देखते ही मार गिराने का पूरा इंतजाम, थर्मल इमेज व्हीकल की भी तैनाती। हाल में समय के ड्रोन आने के कई मामले, अलर्ट का स्तर बढ़ाया गया। सामा सेक्टर में इसी साल अब तक 4 सुरंगों का खुलासा, नाइट पेट्रोलिंग में किया गया इजाफा। 15 अगस्त के समारोह के लिए आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले पर तेज हुई हलचल। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होगी जबरदस्त सुरक्षा, 300 स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। लाल किले के मेन गेट के बाहर लगाए जाएंगे भारी भरकम कंटेनर, एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कड़ी चौकसी, सड़क से निकलने वाले लोगों की ली जा रही तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से हो रहे हैं समारोह। 1984 के सिख विरोधी दंगों के 37 साल बाद कानपुर में पूरी हुई 11 मामलों की सटी जांच, चार्जशीट दायर करने की तैयारी। करीब 2 साल की जांच के बाद एसआईटी ने की 67 आरोपियों की पहचान, 13 की हो चुकी है मौत, 54 के खिलाफ होगी कार्रवाई। कानपुर में हुए दंगों में 127 लोगों की हुई थी हत्या, 37 साल बाद भी एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच की मदद से ढूंढ निकाले खून के धब्बों के समेत कई अन्य सबूत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में चौकसी कड़ी, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले की साजिश का खुफिया अलर्ट। पंजाब में भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर, खुफिया सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और संघ के नेताओं को बनाया जा सकता है खालिस्तानी संगठन निशाने पर। कांग्रेस के विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश, सोनिया 20 अगस्त को करेंगी विपक्षी नेताओं की बैठक। सामने आया बुधवार को राज्यसभा में हंगामे का वीडियो, महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते दिखे सांसद। राज्यसभा के रिपोर्ट के मुताबिक महिला मार्शल के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, घसीटे जाने का भी जिक्र। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक बाहर से नहीं बुलाए गए थे लोग, विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए की गई थी मार्शलों की अतिरिक्त तैनाती। विपक्ष ने हंगामे के लिए सत्ता पक्ष को ठहराया जिम्मेदार, राज्यसभा के सभापति से की मुलाकात। विपक्ष का आज सरकार पर सीधा आरोप, राहुल गांधी ने कहा पीटे गए विपक्षी सांसद। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई। विपक्ष की महिला सांसदों ने लगाया राज्यसभा में बदसलूकी का आरोप, कहा पुरुष मार्शलों ने की धक्का मुक्की। चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई, पुरुष मार्शल लोग धक्का दिए हैं जिसके चलते हमें चोट आई। विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले अराजकता है एकमात्र एजेंडा। राज्यसभा में बवाल को लेकर विपक्ष की 15 पार्टियों का प्रोटेस्ट मार्च, राहुल गांधी ने की अगुवाई। एकजुटता के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, संजय राउत बोले ऐसा लगा सदन में नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी राज्यसभा के सभापति से की मुलाकात, हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
संसद में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति की बैठक, कड़े कदम उठाए जाने पर बनी सहमति। सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस की कवायद तेज, 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने बुलाई वर्चुअल बैठक। ट्विटर पर विवाद का नया अध्याय, देशभर में कांग्रेस के 5000 से ज्यादा नेताओं के अकाउंट ब्लॉक। ट्विटर की कार्यवाही पर भड़की कांग्रेस, कई नेताओं ने प्रोफाइल में राहुल गांधी की फोटो लगाकर जताया विरोध। ट्विटर की कार्रवाई पर प्रियंका गांधी भी भड़की, कहा सरकार के दबाव में दबाई जा रही आवाज। इससे पहले राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट किया गया था ब्लॉक, राहुल ने सरकार पर लगाया डिजिटल दादागिरी का आरोप। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने वॉशिंग मशीन लेकर ट्विटर दफ्तर में जाने की दी सलाह। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का विरोध, जंतर मंतर पर हल्ला बोल प्रदर्शन। इस देश को बेचने का काम कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। दो तीन उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर अंबाला में बवाल, आमने सामने हुए किसानों पुलिस। किसानों की रिहाई के बाद ही शांत हुआ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, दिन भर प्रशासन ने समझाया बुझाया। 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान, खेती कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बढ़ाया दबाव। गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट को संबोधन करेंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में जुड़ेंगे। गुरुवार को पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से की बात, कहा कोरोना काल में महिला शक्ति का बड़ा योगदान। आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रिलीज किया 1625 करोड़ का फंड, कोविड काल में काम की सराहना। लखनऊ में सीएम योगी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, मिडिल स्कूल के लिए भर्ती। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने विधायक की बेटी के लिए महिंद्रा कंपनी को लिखी चिट्ठी, थार गाड़ी की डिलीवरी जल्द करने को कहा। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के दोनों आरोपियों का कराई गई कोरोना जांच, नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली लाने की तैयारी। अमेठी में अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़, अगवा कारोबारी को सही सलामत छुड़ाया। हाजीपुर में शराब से लदी कार ने युवक को रौंदा, भड़की भीड़ ने की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती, बंदूक और चाकू के दम पर 1.5 लाख लूट कर बदमाश फरार। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी, आज सीएम योगी करेंगे गाजीपुर और बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, गुरुवार को मुख्यमंत्री ने बोट से लिया हालात का जायजा। प्रयागराज में बाढ़ से बुरे हालात, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, किनारे की बस्तियां डूबी। मिर्जापुर में गंगा में जोरदार उफान, धार में बहने से एक शख्स की मौत। मिर्जापुर के दर्जनों गांव बने टापू, गंगा में बहता दिखा पूरा घर। बाढ़ से बेहाल वाराणसी के लोगों ने लगाई बाबा विश्वनाथ से गुहार, 56 भोग के साथ हुई विशेष पूजा। पट्टा सटे दानापुर के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव पर आशियाना समेत कर निकले लोग। दरभंगा में एक घंटे की तेज बारिश ने ढाया कहर, रिहायशी बस्तियों में घुटने तक भरा पानी। धौलपुर में तेज धार में बहे ट्रैक्टर पर सवार दो लोगों की मौत, 24 घंटे बाद बरामद हुए शव। समस्तीपुर में जानलेवा साबित हो रही है लगातार बारिश, मकान का हिस्सा ढहने से 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर हादसे में अब तक 15 लोगों के शव बरामद, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। गुरुवार को हादसे की जगह पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। गुरुवार को कई बार रोकना पड़ा बचाव कार्य, पहाड़ी से गिरते पत्थरों ने डाला अड़ंगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर धंसा पहाड़, मलबे की चपेट में आया ट्रक।
केरल में 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले, 160 मरीजों की मौत। बंगाल को मिली कोरोना टीके की 7.5 लाख डोज, दो खेप में पुणे से कोलकाता पहुंची वैक्सीन। सीतापुर में कोरोना टीकाकरण में बड़ी लापरवाही, दो मृतकों के नाम पर जारी हुए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कटक में कोरोना टीकाकरण अभियान में मुश्किल, कई आदिवासी समुदायों ने किया टीका लगवाने से इनकार। राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, 50% क्षमता के साथ लगेंगी 9वीं और 12वीं तक की क्लास। पोरबंदर की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, चिमनी मरम्मत के दौरान हादसा, 7 मजदूर फंसे। सूरत के फार्म हाउस में दर्दनाक हादसा, बिजली के तारों की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, एक बुरी तरह से झुलसा। सीकर में कुआं खोदने के दौरान जमीन धसी, मिट्टी में दबने से 1 मजदूर की मौत। बांदा के पावर प्लांट में भीषण हादसा, शॉर्ट सर्किट से हुए धमाके के बाद लगी आग। आग से इलाके में दूर दूर तक छाया धुएं का गुबार, पावर प्लांट में लाखों का नुकसान। बठिंडा में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, नशे के ओवरडोज के जानलेवा होने का शक। बाड़मेर में 12वीं की परीक्षा के दौरान पकड़ा गया फर्जी छात्र, दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। पटना में व्यापारी हत्याकांड के विरोध में उतरे दुकानदार, बाजार बंद करके निकाला कैंडल मार्च। महाराष्ट्र के बीड में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 3 महीने से नहीं मिला वेतन। रांची में नर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, रिम्स के गेट पर भीख मांगकर जताए विरोध। औरैया में महिला पर तेजाब से हमला, चलती ट्रेन में 3 आरोपियों ने की वारदात। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीच बाजार, बदमाशों की बमबाजी, 5-5 धमाकों से मची अफरातफरी। मेरठ में तेल कारोबारी से 15 लाख की लूट का खुलासा, कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। हरदोई में प्रेम प्रसंग का जानलेवा अंजाम, शादीशुदा युवक ने की लगाई फांसी, लड़की ने भी की खुदकुशी की कोशिश। सरायकेला में 1 करोड़ का डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। अमरोहा में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हंगामा, रात को घर से बुलाकर ले गए थे अज्ञात लोग। बृजनाथ में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, लूट के दर्जनों वारदातों में है वांटेड। बाड़मेर में दलित नाबालिग के साथ रेप की वारदात, फांसी पर लटक कर हत्या की भी कोशिश। बिहार के गोपालगंज में 2 बसों से लाखों की शराब बरामद, बसें जब्त होने से घंटों परेशान हुए लोग। इंदौर में कारोबारी के बच्चे के अपहरण की साजिश नाकाम, वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार।